आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके नवोदय विद्यालय का आपने रजिस्ट्रेशन किया है और किसी कारणवश जैसे कभी साइट डाउन हो जाती है या दुर्भाग्यवश आपने जो सेव किया सेव नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हुई हैं कि मैंने सेव किया नहीं हुआ, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर को निकालना पड़ता है और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को निकालने के बाद आप बड़ी ही आसानी से अपना फॉर्म जो है प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मेरे वीडियो में ये मैं आज बताऊंगा आपको कि अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो आप कैसे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पा सकते हैं। वीडियो में मैं पूरी बात आपको बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे वीडियो में और पूरा लास्ट तक देखिए, इसकी बिल्कुल ना करें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आ जाते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर पर आने के बाद हम आपको सिंपल सा उसी वेबसाइट पर लेके जाएंगे जहाँ से हमने आवेदन किया था। तो उसके लिए हमको यहाँ पे सर्च करना है अपने गूगल में, आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को सर्च करना है cbscitms.nic.in। इसको सर्च कर लेंगे, ओपन करने के बाद हमारे सामने इस तरह की वेबसाइट आएगी। यहाँ पे देखिए इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा और इस इंटरफेस को नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे देखिए तीन नंबर पे ऑप्शन लिखा है फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जो फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर है उस पर हम क्लिक कर देंगे और क्लिक जब कर देंगे तो साइट लोड लेगी और हमारे सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम और DOB हमसे मांगेगा। फॉर्म देख के यहाँ पे कैंडिडेट का नाम भर देना है, मैंने कैंडिडेट का नाम भरा है और कैपिटल लेटर में आपको सब कुछ भरना है। कैंडिडेट का नाम भर दिया, उसके बाद फादर नेम यानी उसके पिताजी का नाम, गार्जियन नेम यानी कि वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी माताजी का नाम यहाँ पे फिल कर देंगे, माताजी का नाम डाल देंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाला हो। देखिए वही डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने डाला है। उसके बाद यहाँ पे हम जन्मतिथि जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जो बच्चे की जन्मतिथि होगी। से आपको कोई लाभ मिले तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पे दिखा है जो कैप्चा है वो हम यहाँ कैप्चा डाल के सर्च रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने लोड होगा और इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। कैंडिडेट का नाम और नीचे योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, तो यहाँ से हमको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कॉपी कर लेना है। ठीक है, पहले सेलेक्ट कर लेंगे फिर उसको और कॉपी करने के बाद कैंडिडेट वाला ऑप्शन चूज करके क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन जो है दो नंबर पे उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, या फिर से हम होम पे आ जाएंगे और यहाँ पे दो नंबर ऑप्शन क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा और डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। तो हम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे या पेस्ट कर देंगे, फिर हमको वही जन्मतिथि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिर से फिल करनी है और नीचे जो कैप्चा लिखा हुआ है वो कैप्चा हमको ध्यान से भर देना है। जब भरने के बाद साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आपका काम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इन पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये देखिए रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ गई हैं, पूरा मैच कर लीजिए या फिर पूरा और पूरी डिटेल यहाँ पर मैच कर लीजिए। ये आपका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इसी में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।